करीब 100 मोबाइल रिकवरी हुआ है और उसमें तकनीकी शाखा से लेकर के हमारे जितने भी अधिकारी हैं भाई बहनों पूरा पूर्णतः सहयोग रहा है और आज सर के कर कमलों के द्वारा आप लोगों को मोबाइल प्रदान किया जाएगा और आप लोगों को इस हॉल में जमशेदपुर पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं। सर से अनुरोध है कि सर इस अवसर पर यहाँ उपस्थित जितने भी नागरिक और सभी को दो सब बोल के अपना आशीर्वचन दें, उसके उपरांत हम लोग मोबाइल वितरण का कार्यक्रम शुरू करें। परिसर अंतर्गत इस सभागार में उपस्थित जमशेदपुर के कोने कोने से आए सभी तमाम नागरिक जन, हमारे मीडिया के बंधु और हमारे साथ उपस्थित हमारे सभी सहकर्मी पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मी सभी को आज इस अवसर पर आपका स्वागत है। जैसा पुलिस इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट को बता रहे थे कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट था जो नॉर्मली नेग्लेक्टेड था पुलिस के द्वारा, और पुलिस के द्वारा जब मैं बोलता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही या कमजोरी थी, ये अमूमन हम लोगों का काम ऐसा होता है कि फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, इससे महत्वपूर्ण काम आ जाता है, पुलिस उसमें लगी रहती है और ये थोड़ा सा बैठ करने में चला जाता है। और फिर भी जब संख्या देखा गया तो काफ़ी संख्या में मोबाइल मिसिंग होते हैं या चिंता ही हो जाता है या मोबाइल की चोरी हो जाती है, तो इससे दो प्रकार का लॉस है। एक जिनका मोबाइल गया है उनका तो व्यक्तिगत लॉस नहीं है, और दूसरा लॉस ये है कि इस चोरी किए हुए होने के बाद मोबाइल का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, इस मोबाइल से अगर कोई गलत या आपराधिक घटना भी करता है उसके बाद अगर पुलिस खोजबीन करती है तो जिनका मोबाइल उनके पास पुलिस पहुँचती है और उससे फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर आपका मेल भी करते हैं कि सर मेरा मोबाइल तो 6 महीने पहले खो गया फिर भी पुलिस मेरे पास आ रही है। हमारी भी कठिनाई होती है कि हम तो जो ओनर है उसी के पास जाएंगे और आपके लिए भी कठिनाई है। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक सारे पुलिस पदाधिकारी हमारे तकनीकी सभा के पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, सभी लोग मिल करके एक मुहिम चलाएँ कि हम लोग इस मोबाइल का सर्च अभियान चलाएंगे। इसमें ब्रॉडली दो तरीके की दो कैटेगरी में मोबाइल हम लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। एक जो लॉस्ट या फिक्स्ड मोबाइल है वो विदिन जमशेदपुर ऑपरेट हो रहा है, कुछ ऐसे मोबाइल है जो बियॉन्ड जमशेदपुर बाहर चले गए, तो हम लोगों ने पहले टारगेट किया कि जो विदिन जमशेदपुर है उसको पहले रिकवर किया जाए और इसके बाद हम लोग जो बियॉन्ड जमशेदपुर है जमशेदपुर के बाहर है, कुछ झारखंड के दूसरे सिटी में भी, कुछ इनफैक्ट झारखंड के बाहर भी हैं, तो हम लोग इसके बाद उस मुहिम में लगेंगे क्योंकि आई एम श्योर आज के इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे पब्लिक का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, बहुत सारे हमारे पास कॉल्स भी आएंगे कि सर इतनी संख्या मोबाइल मिली है लेकिन मेरा मोबाइल नहीं मिला अभी तक, तो हम लोगों को उस पर भी खड़ा उतरना है। और इसी तरीके से जैसा अभी मुझे बताया गया है कि टोटल हम लोगों ने 88 मोबाइल को रिकवर किए हैं और 88 मोबाइल के सभी ओनर जिनके द्वारा गुम हुआ, जिनका मोबाइल गुम हुआ था उनको कॉन्टैक्ट किया गया था, उसमें से आई थिंक 59 पीपल आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NIS।